और आप लोगों को बता दूं कि इस दफ़ा जो हमारी सीरीज़ होने वाली है ना, ये 3-4 मुल्कों की है, तो अल्लाह के हुक्म से इस सीरीज़ में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज मैं तो ये सामने देखो जी, रक्षा खड़ा हुआ है और यहाँ से ये फॉर्म वगैरह बना के दे देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जिस कैटेगरी का वीज़ा लेना है और उन लोगों को बताना है कि हमने इस कैटेगरी का वीज़ा लेना है, वो आपको फॉर्म बना के दे देंगे। ये तकरीबन 5-7 मिनट के अंदर अंदर आपको फॉर्म क्लियर करके दे देते हैं। और फॉर्म की जो हाजिर वक्त में फ़ी चल रही है वो है तकरीबन 500 रुपये लेते हैं। पहले 3 माह से हमने टिकट करवाई है इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में क्या लेने जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आप लोगों को इस्लामाबाद जाके पता चलेगा। और ईरान के वीज़े में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वो जो हमने आपको बताई थी वो रिक्वायरमेंट है, और उसमें तब्दीलियाँ क्या आई हैं। जो 3500 का उन लोगों ने वो जो इंश्योरेंस वाला सीन लगाया है, बस वही है, उसके बाद कोई मसल के वहाँ पे किसी चीज़ की परेशानी नहीं है किसी की। अस्सलामु अलैकुम, वी आर बैक इन अदर व्लॉग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर में, और लाहौर में मैं क्या काम करने के लिए आया हूँ, आज मैं लेने के लिए आया हूँ जी वीज़ा। और आप लोगों को बता दूँ कि इस दफ़ा जो हमारी सीरीज़ होने वाली है ना, ये 3-4 मुल्कों की है, तो अल्लाह के हुक्म से इस सीरीज़ में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज मैं मौजूद हूँ लाहौर में। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे ईरान कौंसलेट, और वहाँ से हम आप लोगों को आज के ब्लॉग में बताएंगे कि हम ईरान का वीज़ा कैसे ले सकते हैं इजीली, और बहुत इजी मेथड है वो कैसे ले सकते हैं, साथ साथ आपको बताता रहूँगा। आज मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ इतने दिनों के बाद, तो मैंने सोचा भाई नई सीरीज़ का आगाज़ आज से शुरू कर देते हैं। तो आज आप लोगों को बता दूं, ये एक मुल्क की नहीं, 2-3 मुल्कों की ये सीरीज़ होने वाली है, वो आगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आज मैं मौजूद हूँ जी ठोकर न्याज बेग पे, और यहाँ से मैंने उबर जो है ना, इन ड्राइव वाला उबर, वो मैंने करवाया है, तो वो बाइक आने वाली है यहाँ से। आज मैं जान लगा ईरान कौंसलेट और ईरान का वीज़ा किस तरह हासिल किया जाता है, अर्जेंट वाला और नॉर्मल वाला, अभी वहाँ की क्या सिचुएशन है, किस तरह वहाँ पर माहौल है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि न्यू आने वाली सीरीज़ की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलें भाई, अभी इन ड्राइव वाले से मिलते हैं, फिर उनके साथ मिलके चलते हैं ईरान कौंसलेट। सो जी फाइनली गाइस, अभी मैं आ गया हूँ ईरान कौंसलेट के बाहर, और 9 बजे का टाइम होता है, 9 बजे ओपन होती है। उससे पहले आप लोगों ने अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड और एक वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर अगर आपके पास हो भी तो फ़ायदा है, अगर ना हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये सामने देखो जी, रक्षा खड़ा हुआ है और यहाँ से ये फॉर्म वगैरह बना के दे देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जिस कैटेगरी का वीज़ा लेना है और उन लोगों को बताना है कि हमने इस कैटेगरी का वीज़ा लेना है, वो आपको फॉर्म बना के दे देंगे। ये तकरीबन 5-7 मिनट के अंदर अंदर आपको फॉर्म क्लियर करके दे देते हैं। और फॉर्म की जो हाजिर वक्त में फ़ी चल रही है वो है तकरीबन 500 रुपये लेते हैं। पहले 300, 150, 200 होती थी, मतलब कि हर महंगाई का टाइम है ना, तो फिर 500 इतने ज़्यादा नहीं है, तो ये 500 वगैरह लेते हैं। और उसके बाद ये अभी ईरान कौंसलेट के सामने, ये देखो अभी आज रश नहीं है और मंडे का दिन है, तो आज ये कौंसलेट ओपन हुई है। टूरिस्ट वीज़े पहले बंद थे, अब ओपन हो गए हैं, तो ये मैंने बनवा लिया जी अपना, ये फॉर्म वगैरह बनवा लिया, और तकरीबन 9 बजे तक यहाँ पे वेट करते हैं। 9 बजे के बाद अंदर जाएंगे और देखेंगे भाई क्या सिचुएशन बनती है और क्या सीन है आज, क्योंकि पहले मुझे वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, वो बता रहा है कि यहाँ पर जी अल्लाह आपका भला करे, जो एयर टिकट जिनके पास होती है ना, उनको वो देते हैं वीज़ा, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा ट्राई तो खुद करें, करके देखते हैं क्या सीन बनता है। तो ये ऑटो वाला भाई, एक पासपोर्ट और आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फार्म के अंदर, लेकिन आईडी कार्ड की एंट्री के लिए वहाँ पे दरकार होता है, ठीक है। और उसके बाद आप एंट्री करवा लें, सबसे पहले फार्म बनवाने से पहले आप अपनी एंट्री वगैरह करवा लें, ताकि आपका नंबर जो है ना जल्द से जल्द लग सके। तो अभी चेक करते हैं भाई, फ़ीस का अभी पता नहीं है कितनी फ़ीस ले रहे हैं कितनी नहीं, और तकरीबन हम आगे जाएँगे वहाँ पर सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तो मैं अभी चलता हूँ उधर, जो फॉर्म बनाता है उनका इंटरव्यू वगैरह करते हैं, वो पूछते हैं उन लोगों से कि आज के हाजिर दौर में क्या रिक्वायरमेंट चल रही है। A few inches later. So finally guys, अभी मैंने वीज़ा ले लिया है और अभी मैं आया था वहाँ से, टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास, और जल्दी जल्दी मैं आया यहाँ पे ना, ठोकर न्याज बेग पे डेवो बस टर्मिनल है, वहाँ से मैंने टिकट करवा ली इस्लामाबाद की, और अभी मैं जाने लगा इस्लामाबाद के लिए। तो फिलहाल पहले मैं जाऊँगा रूम पे, और रूम से मैंने लेना है जी अपना सामान वगैरह।
तो सामान वगैरह लेके तो फिर इंशाल्लाह आएंगे हम डायवर टर्मिनल पे, वहाँ से हमने टिकट करवाई है इस्लामाबाद ही। तो इस्लामाबाद मैं क्या लेने जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आप लोगों को इस्लामाबाद जाके पता चलेगा। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ईरान का जो वीज़ा फ़ीस है वो तकरीबन अल्लाह आपका भला करे वही फ़ीस है 14,000 नॉर्मल की और 21,000 जो है वो अर्जेंट की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस है। तो और उसके बाद उन लोगों ने 3500 इंश्योरेंस भी साथ लगा दी है, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में बात करते हैं, यहाँ पे राज थोड़ा ज़्यादा है। One hour later. So, जी फाइनली गाइस अभी हम सामान वगैरह अपना लेके आ गए जी। ये डेवर टर्मिनल है जो ठोकर न्याज बे के ऊपर है, ठीक है। और ये आप सामने देख सकते हैं। और रूम से मैंने सामान वगैरह बिल्कुल फुल पैकिंग के साथ कर लिया था, ये मेरा दोस्त है इनके पास हम रह रहे थे। और ये है जी डेवो टर्मिनल, यहाँ से पता नहीं कौन सी बस है, ये बाद में पता चलेगा। तुम्हें पता कौन सी बस है? ये इस्लामाबाद जा रही है। कौन सी वाली? अभी पता चलेगा ना, उधर जाके टिकट वगैरह दिखाते हैं। चलो भाई अभी अंदर चलते हैं, पहले बस कन्फर्म कर लें कौन सी है, उसके बाद फिर ना आगे वाली बातें हैं जो आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा करनी है। लो जी गाइस ये वाली है हमारी जो गाड़ी है, ये आ चुकी है और ये पैसेंजर हैं इनके यहाँ वहाँ पे। और अभी इसके अंदर हमने सामान वगैरह अपनी रखना है, तो देखते हैं क्या सीन है। तो रखते हैं सामान फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अभी हमारा वक्त आ चुका है भाई लोगों को अलविदा कहने का, अनाउंसमेंट हो रही है। ये गोल्ड क्लास गाड़ी हमने करवाई है, महंगी तरीन गाड़ी है ना ये यार, क्लास में जाने वाले हैं। तो अभी ये हमारे हबीब भाई है, ये मेरे विलेज का लड़का है और इसका चैनल है हबीब रिएक्शन के नाम से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा यार, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जितने सब्सक्राइबर हैं वो मुझे थोड़ा सा फॉलो करने का मना काम यार, फॉलो करो मेरा छोटा भाई है, इनको ना दिल लगा के फॉलो करो, मजीद आगे जो इंशाल्लाह हमारी इस सीरीज में नई नई वीडियो आने वाली बहुत कमाल की। अपने भाई को भी आपने फॉलो लाइक लाजमी करना है और इंशाल्लाह जी। अभी ये हमारी गाड़ी आ चुकी है, सवारियाँ वगैरह बैठ रही हैं, सामान हमने रख दिया था ये टिकट का। अभी इन लोगों ने कुछ वादा घटा करना है जी, क्या करना है इसके साथ? चले ठीक है मुंशी, फिर अल्लाह के हवाले है। चलो मेरी जान, अल्लाह के हवाले इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी है। और ये हमारा डेवो का सीन है भाई, 28 नंबर। सो जी अभी हम तकरीबन ना इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान एक ये इनका कोई कैफ़े वैफे है जहाँ पर आके इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ रुकती हैं, तो वहाँ पर आके हमने स्टे किया। यहाँ पे 15 मिनट का स्टे है, उन लोगों ने कहा ये खाना वाना खाना तो खा लो। गाड़ी में यार इतना सन्नाटा था, सब मसल ये हाई लेवल के बंदे थे सब उसके अंदर, तो इस वजह से मैंने अंदर का व्लॉग बनाया नहीं। तो तकरीबन अभी 2:30 के राउंड अबाउट टाइम हो चुका है, 2:40 के राउंड अबाउट टाइम है। तो और अभी हम यहाँ पे रुके हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कशन आप लोगों को बता दूं कि ईरान के वीज़े में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। वो जो हमने आपको बताई थी वो रिक्वायरमेंट है, और उसमें तब्दीलियाँ क्या आई हैं। जो 3500 का उन लोगों ने वो जो इंश्योरेंस वाला सीन लगाया बस वही है, उसके बाद कोई मसलन के वहाँ पर किसी चीज़ की परेशानी नहीं है किसी किस्म की। आपको बहुत ईजीली वीज़ा मिल जाता है, अपना फॉर्म फिल करवाएँ और वहाँ के उनको कहीं भी हमें अर्जेंट चाहिए नॉर्मल चाहिए, मुझे अर्जेंट चाहिए था तो मुझे तकरीबन ना 2-3 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा मिल गया। तो वीज़ा लेने के बाद जी अब आपको पता ही है कि मैं इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ। इस्लामाबाद से हमने कौन कौन से वीज़े लेने हैं तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से वीज़े लेने हैं। पहले हम इस्लामाबाद का सफ़र तय कर रहे हैं। ये सामने देख सकते हैं हमारी ये बस रुकी हुई है और वेदर माशाल्लाह ज़बरदस्त है, किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं है। हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे, वहाँ पे पहुँच गए, आप लोगों को सारी सूरत हाल बताऊँगा कि भाई मैं कौन कौन से वीज़े ले रहा हूँ और कौन कौन सी कंट्रीज़ दफ़ा मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो ईरान को मैंने फिर क्यों चूज़ किया कि ईरान में फिर दोबारा क्यों जा रहा हूँ, मैं दोबारा ईरान जा नहीं रहा हूँ, ईरान को वाया डाल रहा हूँ रास्ते में से, क्योंकि ईरान में से हो के मैंने या तो मैं वापस आऊँगा या ईरान से होकर मैं आगे जाऊँगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ में आप लोगों को कमाल कमाल की वीडियो मिलने वाली हैं। और उससे पहले जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट अब तक पहुंचती रहे। तो भाई इसके अंदर बैठ के आया था तो एसी वाला बहुत फुल चिल्ड माहौल था, इस वजह से मैंने भाई ना कोई भी अंदर एक्टिविटी नहीं की, ठीक है। तो अभी जी चलते हैं वहाँ पर रुकते हैं, जैसे हमारी बस की टाइम होता है तो फिर यहाँ से निकलते हैं तो सीधा हम चले जाएँगे इस्लामाबाद, ठीक है।
तो ये गाड़ी है भाई अभी स्टार्ट ही खड़ी हुई है, 15 मिनट का स्टे है यहाँ पे, तो माहौल खूबसूरत है, तो इंशाल्लाह निकलते हैं तो मुलाकात होती है आप लोगों की और हमारी इस्लामाबाद पहुँच के। सो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामाबाद पहुंच गया हूं और यहां पर मैं बस टर्मिनल से उठा है। ये बस टर्मिनल आई है जी फैज़ा अड्डे पे, ये चेक करें, फैज़ाबाद टर्मिनल है और यहां पर मैं आ गया हूं। ठीक है, अभी दोस्त को मैंने कॉल किया तो वो कुछ देर के बाद मुझे यहां से पिक करने के लिए आ रहा है, तो जैसे ही दोस्त आता है उसके साथ बैठ के चलते हैं घर में, जो बाकी बातें रह गई हैं वो इंशाल्लाह घर चल के करेंगे, क्योंकि इतना सफ़र किया यार। और वैसे मैं एसी में पहली दफ़ा बैठ के आया हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद एसी में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अभी थोड़ा सा ऐसा बैड बैड सा महसूस हो रहा है, तो चलें इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद फिर मुलाकात करते हैं। सो फाइनली गाइस अभी मैं आ गया हूँ जी इधर घर में, इन दोस्तों के पास रह रहा हूँ और दोस्त शो नहीं होना चाहते कैमरे के सामने, तो मैं आपको कह रहा था कि जी ये जो आज मैंने सफ़र किया है और आज आप लोगों को एक्टिविटी बताई है, तो इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि जो नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं उनका जो है ना आपको बता दें कि अभी हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, और कल वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो वीज़े जो मैं नेक्स्ट इस्लामाबाद लेने के लिए आया हूँ वो कौन कौन से वीज़े हैं और कौन कौन सी कंट्री के वीज़े हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जैसे कि आज हमने ईरान का वीज़ा लिया, उसके बाद आज मैं इस्लामाबाद पहुंच आया हूं, तो इधर मैं रेस्ट वेस्ट करूंगा क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा लेंथ ही नहीं करने वाला यार, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, तो इंशाल्लाह जो कल वाला व्लॉग आने वाला है ना उसमें आपको फुल एंड फाइनल डिटेल दूंगा कि हम कौन कौन सी कंट्री जा रहे हैं और कौन कौन सा वीज़ा मैं जो कल लूँगा उसका, इंशाल्लाह कल वाला व्लॉग है वो कल मैं इंशाल्लाह टाइम से अपलोड कर दूँगा। तो ये वाली जो वीडियो थी मैंने कहा भी यार आप लोगों को डिटेल से बता दें कि इस दफ़ा जो हमारी सीरीज़ है ना वो बहुत हैवी और वीआईपी होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला छोटा सा व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों को नई एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।